हेलो हेलो माँ सत्सभामा बोली कि हमको वही फूल चाहिए जो हमारी सोसिन को मिला पारिजात नाम का फूल। भगवान मन ही मन के नारद जी फेरा लगा दिया। भगवान आवाज लगाए, ओ अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन तो महल पर से नीचे आता सरकार ऑर्डर दिया जाए। भगवान कहे अर्जुन कि पारथ तुम के दिलीबन जाओ गंधराज उस ले पारथ मतलब अर्जुन। ए अर्जुन जाओ केदली वन में गंगमादर पर्वत के उत्तरी भाग कोलाचल पर्वत पर 12 कोस का बगीचा है। अंदर जाने के लिए चार गेट, चारों गेट पर बंदर की ड्यूटी है। बंदर से पूछ के अंदर जाना, अंदर से फूल तोड़ करके बाहर आना। जाओ पारिजात नाम का फूल लेना। चल दिए हैं अर्जुन जी, चलते चलते वही गेट पर पहुंचे हैं जिस गेट पर हमारे हनुमान जी। गाने वालों ने गाया है ना कि दुनिया कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना। प्यारा बजरंगबा ग्रंथों ने कह डाला राम जी का प्यारा बजरंगबा। रस सा रस सा रस सकट न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। गया अर्जुन जी मारा गेट में धक्का, उसी गेट में जिस गेट पर हनुमान जी थे। हनुमान जी कहते बाहरे चोर बगैर पूछे अंदर जा रहा। अर्जुन जी बोले हमको कहा चोर तो हम देंगे दोनों आंखें फोर। हनुमान जी करे चोर एक तो चोरी या बदले में सीना जोड़ी, तुमको मालूम नहीं है हम है काल। अर्जुन जी बोले हम है महाकाल। हनुमान जी कहता तो दोनों तब तक मुक्का में कर देंगे गाल ला। चीप जी रस हनुमान जी कहे चोर तुमको मालूम नहीं है कि यह पुष्प पूजन रघुराई
चोरी करत रे चोर अन्याय। हनुमान जी बोले यह पुष्प मने फूल, यह पुष्प पूजन रघुराई, भगवान की पूजा के लिए फूल है, तुम चोरी से तोड़ने जा रहे, चोर कहीं का। अर्जुन जी बोले अच्छा वही राम, पार्थ बोला राम के करत बराई किस किस मने बंद का, वही राम जिसकी पत्नी को चुरा कर रावण ले गए, क्या वही राम जब मामूली सा समुद्र को तीन दिन तक खुशामद किया, क्या वही राम जो धोबी के कहने पर पत्नी को जंगल भेज दिया। अरे सहन सक हनुमान जी कहते रे बेईमान मेरी बुराई करता बर्दाश्त कर लेते, इतने हेडे ऑफिस की बुराई करना है, फरियाइए लो का फरियाइए लो, इधर से अर्जुन जी उधर से हनुमान जी, इधर से अर्जुन जी जय श्री कृष्ण उधर से हनुमान जी जय श्री राम करके दोनों भिड़ गए, दोनों लड़ रहे हैं धक्कम धुक्का कर रहे हैं। फिर अगली चौपाई कि लड़त लड़त गए अहो सिंधु तीरा अहमान पृष्ठ किए पार्थवी, लड़ते लड़ते गए सिंधु में समुद्र समुद्र के किनारे गए, बाण मतलब बाण वृष्टि मैंने वर्षा, बाण की वर्षा के पारत मैंने अर्जुन अर्जुन वीरा। अर्जुन जी कहते बंदर देखो ये पुल है ना तेरा मालिक राम अपने से पुल नहीं बनाया, बांद्री सेना द्वारा लगा के पुल बनाया, देखो हम तीरे से पुल बनाते क्या काम के जानते हैं। अर्जुन जी बाण उठाए, हनुमान जी मनी मन कह के ही कैसा कारीगर है बिना बालू सीमेंट का पुल बना दे। अर्जुन जी जय श्री कृष्ण कहे और बाण चला, कितना बड़ा पुल बन गया जानते हैं, 400 कोस लंबाई 40 कोस चौड़ाई, 400 कोस यहां से कम से कम पटना तो जरूर हो, ज्यादा नहीं हो, नहीं इतना लंबा पुल बना दिया लंबा पुल। और अर्जुन जी से कहा, ये अर्जुन जी कहा हनुमान जी से, ए बंदर किरे वानर जरा आगे बढ़ो और रहे हिम्मत ना जा रहे हिम्मत ना जा और पुल को तो
कि रे वानर जरा आगे बढ़ो, आंख खोल कर देख लो, है हिम्मत तो आ जाओ और पुल को तोड़ दो। ये बात जो बोल दिया ना, उधर जो है हनुमान जी कहे भगवान लाज बचाइए। हनुमान जी अपना रूप बनाए, कितना बड़ा जानते हैं, चौपाए सत सहस्र योजन विस्तारा अपनी बंधे और लीन बहा। सत्तम ने सौ सौ योजन का शरीर बना हनुमान जी, तो एक योजन बराबर चार कोस, सत योजन सौ योजन बराबर चार सौ कोस, याद रखिएगा, चार सौ कोस पुल की लंबाई और चालीस कोस चौड़ाई, और हनुमान जी का शरीर है चार सौ कोस का। अपनी मन भीरा बांधे मैंने बांध कुंची बांध लिए पहाड़ा दुगना चेर का छोटा पर्वत पहाड़ अनेक पहाड़ बहुवचन नहीं पहाड़ा अनेक पहाड़ बांध लिए रुइया में। हमारा अपना रुइया में एक ईट भी बांधी नहीं बांधी है। हनुमान जी पहाड़ बांध लिए, जिनका शरीर है चार सौ कोस का, हाथ कितना बड़ा होगा, पांव कितना बड़ा होगा, मुंह कम से कम दो अढ़ाई सौ विकास कम बने। ए बाबूजी, इतना बड़ा जो है ना हनुमान जी रूप बनाए, एक बार कहते जय श्री राम, पृथ्वी हिल गई, कृष्ण भगवान द्वारिका में हिल गए। मन ही मन सोचे भाई धरती को कौन हिला दे, देखे तो अर्जुन को हनुमान से फेरा पड़ गया, नहीं जाएंगे ना तो हनुमान दंडे बेटकी में धरती को हिला दिया है, तो पुल को तो एक ही धक्का में बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए उड़ा देंगे। रोहित शर्मा वाला छक्का मार, भगवान कहे कि अगर पुल टूट गया तो मेरे भक्त की निंदा होगी, लोग कहेंगे कि कृष्ण का भक्त हार गए, अर्जुन जी हार गए, राम के भक्त हनुमान जी जीत गए, सब आदमी रामे राम कहेगा, कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहेगा, लेकिन दोनों तो मेरा नाम है नहीं। भगवान क्या किए जानते हैं बाबूजी, कमठेरो तब श्रीपति भयो अपूल भार पिटी पधर, कमठ मन कछुआ बन गए भगवान, अपूल के नीचे में घुस गए। अब सोचिए कितना बड़ा कछुआ बने होंगे, कछुआ आप लोग देखेंगे ना, चार सौ कोस में कछुआ बन गए, पुल के नीचे में घुस गए। और इधर अर्जुन कहा है बंदर कूद के देखा, हनुमान जी कूद गए, लेकिन जिस पुल के नीचे भगवान हो कैसे टूटे, लेकिन भक्त के पास भी पावर, हनुमान जी जो कूदे ना थोड़ा सा करेक हो गया, हल्का दबाव पड़ गया, हनुमान जी को क्या पता कि भगवान नीचे में, नहीं भगवान जो कछुआ बने हैं मुंह से खून निकल गया, और जो ही मुंह से खून निकल गया समुद्र का पानी लाल, हनुमान जी ऊपर से नीचे आए तो प्रकट भय भगवान। हनुमान जी बोले माफ कर दीजिए, आपके मुंह से खून निकलवा लिया, मैं बहुत बड़ा पापी। भगवान कहते नहीं हनुमान, परवल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टले,
भक्त के चलते हम मार भी खा लेते हैं। ए हनुमान सुनो, हमारे घर में झगड़ा फंस गया है, पारिजात नाम का फूल दो, मैं जाऊंगा। हनुमान जी बोले कि दे रहा हूं फूल। हनुमान जी फूल लाने गए और भगवान कहे कि दोनों वीर है, एक समाना पार्थ वीर और हनुमाना, जैसा वीर अर्जुन वैसा वीर हनुमान। ये देखिए, ये दोनों भक्त को बचाने के लिए लड़ाई नहीं, इस श्रीमान खुश होकर के ये 90 रुपए का दान दिए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान इनको सुखी रखे, इनके परिवार को सुखी रखे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए उधर में कहने जा रहा था कि हनुमान जी और अर्जुन जी से कहने लगे कि तुम दोनों बराबर का पहलवान। लेकिन हनुमान जी बोले, अर्जुन जी बोले, सरकार बराबर का पहलवान नहीं है, हनुमान जी हीरो, हम जीरो। क्योंकि अगर आप पुल के नीचे कछुआ बन करके नहीं आते ना, तो हनुमान जी तो एक ही धक्का में पुल उड़ा देते। हनुमान जी बोले, हमको हार जिससे मतलब नहीं है, प्रभु के मुख से खून निकलवा लिया, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। भगवान के भूल दो, मैं चलूंगा।